परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने बिहार सरकार से ये मांग की है कि नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जाए और उनके कार्यरत अवधि के वेतन भुगतान पर जो रोक लगी है उसको हटा दी जाए। इसके लिए परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने बिहार सरकार को ये पत्र भी लिखा है, जिसमें कहा गया है कि बिहार राज्य के सभी शिक्षक 17 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसी क्रम में प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से हड़ताली शिक्षकों के जनवरी महीने और 16 फरवरी तक के उनके कार्यरत अवधि के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में विनम्रता पूर्वक कहना है कि किसी भी कर्मचारी का कार्य के बदले में वेतन पाना उसका नैसर्गिक अधिकार होता है और इस संबंध में विभाग स्तर से एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश भी जारी किया जा चुका है कि किसी भी परिस्थिति में कार्यरत अवधि का वेतन भुगतान बाधित नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से सभी हड़ताली शिक्षकों के जनवरी महीने एवं 16 फरवरी तक की उनके कार्यरत अवधि के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गई है, जो कि बिल्कुल अन्यायपूर्ण और अनैसर्गिक है। इसके अलावा इस पत्र में कहा गया है कि वेतन के अभाव में शिक्षकों ने इस बार होली नहीं मनाई है। किसी भी कर्मचारी का वेतन उस कर्मचारी को ही नहीं बल्कि उसके आश्रितों के हितों को भी प्रभावित करता है। तो परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने मुख्य सचिव बिहार सरकार, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, सचिव मानवाधिकार आयोग पटना, निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द नियोजित शिक्षकों के वेतन का भुगतान किया जाए और कार्यरत अवधि के वेतन भुगतान पर लगी रोक को हटाई जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।